हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 6283 IIC ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है और ये बोर्ड पर अभी तक वायरिंग नहीं हुई है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम इसमें वायरिंग करने वाले हैं। तो वायरिंग किस तरीके से करते हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। तो गाइज, वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करने से पहले यहाँ पे छोटी सी जानकारी दूंगा इस बोर्ड की। तो गाइज, जैसे कि यह बोर्ड है, तो इस बोर्ड पर आप 8 इंच के दो स्पीकर आराम से चला ले सकते हैं और ये जो बोर्ड आपको MP3 प्लेयर, VCD प्लेयर और DVD प्लेयर में लगा हुआ मिलता है। तो इस बोर्ड का काम है सिर्फ ऑडियो को एम्पलीफाई करना। तो देखिए किस तरीके से वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं टर्न कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे जो है हम स्पीकर के वायर देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लेग गिनेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है हमारे जो है ये 12 पिन है, 12 पिन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2 नंबर की पिन है और 10 नंबर की पिन है, ये स्पीकर का वायर है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्पीकर का वायर। और जो 7 नंबर का वायर है वो है ऑडियो इन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टर्न कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 2 स्पीकर लगा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है हम इस तरीके से यहाँ पे वायर लगा दिए हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे गिनने वाले हैं, तो इस तरीके से रहने पर ऐसे गिनने पड़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 नंबर की पिन पर यहाँ पे जो है एक स्पीकर का वायर है और यहाँ पे 10 नंबर की पिन पे यहाँ पे एक स्पीकर का वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे 12 पिन है, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें पावर लगा के मैं 7 नंबर की पिन चेक करके बताऊँगा कि यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लिया है यहाँ पे, और मैं बता दूं यहाँ पे जो 12 वोल्ट 2 एम्पियर ही इसे सपोर्ट करता है। अगर इससे ज़्यादा अगर ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो आईसी को जो वॉल्यूम फुल करने पर आईसी जल जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 एम्पियर का ही ट्रांसफार्मर लगने वाला है यहाँ पे। तो मैं इसमें लगा देता हूँ यहाँ पे। अभी मैं पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने पर देखिए हम यहाँ पे वेरिएशन चेक करेंगे, आईसी चालू है नहीं वो भी चेक हो जाएगा, और यहाँ पे वेरिएशन अपना जो वॉल्यूम का जो मिडल का वायर है कौन सा है वो भी पता चल जाएगा। तो जैसे कि हमारा जो है 7 नंबर की पिन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 पर यहाँ पे एक फिल्टर कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे आया है, यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 7 नंबर पे यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे तो पोटेंशियोमीटर के जो मिडल के वायर हैं यहाँ पे 2 मिल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ग्राउंड का ले लेंगे और ग्राउंड को लेके यहाँ पे हम वॉल्यूम लगा देंगे। तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो ये वॉल्यूम इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा जो वाइट वाला है, तो हम इस तरीके से गिने 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से गिनेंगे, और ये जो 3 नंबर की पिन है इसे हम लगाएंगे ग्राउंड पर, और जो मिडल का वायर है जो अब हम अभी चेक किए थे वेरिएशन यहाँ पे लगाएंगे, और ये जो है बेस ट्रेबल का जो है यहाँ पे जो ऑडियो आउट होगा वो यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देंगे वाइट वाला वायर ग्राउंड को लगाएंगे हम। जो मिडल के वायर है वो वेरिएशन के वहाँ लगा देंगे। और ये जो 1 नंबर की पिन है, जो वॉल्यूम के जो 1 नंबर के पिन है, ये इस पर ऑडियो इन होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे बेस ट्रेबल फिल्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे से हमारा जो ऑडियो इन होगा इस तरीके से, और यहाँ पे जो है बेस ट्रेबल फिल्टर होके आउट होगा, तो वो यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे जो है तीन यहाँ पे जगह दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये जो हमारा वो जो मास्टर वॉल्यूम है ये लग चुका है यहाँ पे। अभी हम इसमें पावर लगाते हैं तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम अच्छे से काम करने लगेगा। तो मैं अभी पावर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो इसे मैं बाजू रख देता हूँ। अभी मैं इसमें जो है बेस ट्रेबल वॉल्यूम लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो है ये ट्रांसफार्मर के वायर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बेस ट्रेबल यहाँ पे कुछ इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे 3-3 के सेट रहते हैं यहाँ पे, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, इस तरीके से 3-3 के सेट होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी 3-3 के सेट होते हैं, और हम टर्न करने पर यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए उसी तरीके से यहाँ पे भी कंपोनेंट लगे होते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे बेस ट्रेबल हम ऐसे लगाएंगे, अगर गलत होता है तो हम टर्न करके लगा सकते हैं।
अभी हम दूसरा वॉल्यूम लगाएंगे तो उसे भी उसी तरीके से यहाँ पे तीन तीन वायर बचे हुए हैं यहाँ पे लगाने के। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे जो बेस ट्रेबल के वायर लग चुके हैं, जैसे यहाँ पे तीन वायर लगे हैं वो इस तरीके से यहाँ पे भी लगे हुए हैं, तो इस तरीके से ठीक है। तो इस तरीके से लग चुके हैं यहाँ पे वायर। अभी हम यहाँ पे लगाएंगे ऑडियो इन। ऑडियो इन के लिए यहाँ पे मैं लेता हूँ मॉड्यूल का वायर। तो जैसे कि हमारे पास ये मॉड्यूल है MP3 मॉड्यूल, तो इसे हम जो 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है तो ये रेगुलेटर हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं इसमें लगा देता हूँ। तो ये जो लेफ़्ट राइट और ग्राउंड है वो जो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसका जो मिडल का वायर है ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड लग चुका है यहाँ पे ठीक है। अभी हम इसमें पावर लगाएंगे। तो यहाँ पे पावर लगाने के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे 7805। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो 3 नंबर की पिन है 5 वोल्ट आउट होती है तो इसे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पर यह 1 नंबर की पिन लगाएंगे हम, और जो मिडल का है ये ग्राउंड का है तो ये हम ग्राउंड को लगाएंगे। तो इसका ग्राउंड कहीं भी ले लगा सकते हैं हम यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारा जो पावर के वायर लग चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ट्रांसफार्मर के वायर। तो मॉड्यूल लगाने से पहले सबसे मैं इसमें पावर चेक कर लूँगा, 5 वोल्ट आना चाहिए, तो उसे उसके बाद ही मैं इसमें मॉड्यूल लगाऊंगा। तो अगर ये गलत लगता है तो उसकी वजह से हमारा जो मॉड्यूल है ख़राब हो सकता है इसकी वजह से ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसे टर्न कर लेता हूँ। इसमें ट्रांसफार्मर के वायर लगा दिया है, अभी इसमें वायर मैं चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए, उसके बाद ही मैं लगाऊंगा पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहे हैं ठीक है। तो अब इसमें हम मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो मॉड्यूल मैं ऑफ कर देता हूँ फिर से, और इसको मैं लगा देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए इस तरीके से जो है हमारा जो मॉड्यूल लग चुका है पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा टर्न कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारे 3 वैल्यू ठीक है, और ये हमारा मॉड्यूल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे ठीक है। अभी मैं इसमें पेन ड्राइव लगा देता हूँ और पावर ऑन। तो देखिए यहाँ पे हाई आ चुका है लिख के, USB लिख के आ चुका है ठीक है। अभी हमारा जो मास्टर वॉल्यूम है इसमें मैं फुल करता हूँ। ऐसा जो ट्रेबल है ये है, ट्रेबल है और ये है बेस। तो इस तरीके से यहाँ पे हम वायरिंग करते हैं गाइस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।